शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः नमो श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरुहद्वन्द सेवा निर्मल चेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। बत्तीसवें श्लोक से 32। शून्यमासीदिति ब्रूषे संयोगं वा सदात्मतां शिष्यं प्रत्येवते नात्र द्वितीयं नहि शंक्यते द्वितीयं नहि शंक्यते। श्रुति का ये कथन है कि इस इदम जगत के पूर्व सत नाम की एक सत्ता है, सत नाम की सत्ता के बाद इदम जगत का प्रादुर्भाव हुआ था, लेकिन इस बात से बौद्ध दर्शन सहमत नहीं है। वो कहता है कि सत नाम की सत्ता नहीं थी अपितु शून्य नाम की एक सत्ता इदम जगत के पहले थी। इसका मतलब कहीं वह भी यह तो स्वीकार करता है कि इदम जगत के पहले कोई ना कोई सत्ता तो थी। यह बात तो हमारे और उनमें कॉमन आती है। भेद किस बात का है कि वह कहते हैं सत नाम की सत्ता नहीं है, बल्कि ये कहा जाए वह अभावात्मक सत्ता में विश्वास रखने हैं। जो सत शब्द है वो भावात्मक है और जो शून्य शब्द है वो अभावात्मक शब्द है। हालांकि एक दृष्टि से देखा जाए तो शून्य भी एक भाव ही है। कितने नंबर मिले तो बोले शून्य नंबर मिले तो शून्य भी क्या हो गया एक। जैसे एक है, जैसे दो है, वैसे ही शून्य भी है। लेकिन उनकी दृष्टि में शून्य का अर्थ क्या है, अभाव सा लगता है। तो उनसे चर्चा में दो उनको ऑप्शंस दिए गए। मेरा देखना क्या है 32वें श्लोक से क्या कहते हो भाई तुम। बोले शून्यम आसीत, आसीत मतलब था। हम क्या बोलते हैं, सत आसीत। हम क्या बोलेंगे, सत आसीत। वो क्या बोलते हैं, शून्यम आसीत। क्या था, बोले शून्य नाम की चीज थी। अच्छा जी, माने ऐसा नहीं हो सकता, शून्य नाम की चीज नहीं है, सत नाम की चीज है। बोले नहीं। बोले ऐसा होगा, क्या तुम ये कहना चाहते हो
सदयोगम, सदयोगम, सद के साथ कौन युक्त है? शून्य युक्त है, क्योंकि श्रुति क्या कहती है? सत था, और तुम क्या कहते हो? शून्यता। तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है कि शून्य के साथ कौन जुड़ा हुआ है? सत जुड़ा हुआ है। वा, वा मतलब अथवा सदात्मताम, या तुम ये कहना चाह रहे हो जो सत तत्व है उसकी आत्मा कौन है? शून्य है। पकड़ में? सत तत्व की आत्मा शून्य, या दूसरे शब्दों में बोले शून्य तत्व की आत्मा, बोलो जी, सद है। तो बोले बात तो वही हुई, शून्य तत्व की आत्मा सद है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भी कैसा हुआ? सद हुआ। दो आए, क्या शून्य के साथ युक्त है? युक्त होने में तो दो दो चीजें क्या हो गई? अलग अलग हुई। एक शून्य नाम की सत्ता हुई और एक, है ना, जैसे अग्नि उष्ण है तो उष्णता की एक सत्ता और पीलिमा की एक सत्ता दोनों कैसी हैं? युक्त हैं। यदि कोई अग्नि प्रज्वलित है तो उष्णता और पीलिमा ये कैसी हैं? भले युक्त हैं, उष्णता अलग है और हाँ पीलिमा अलग है। तो क्या कहना चाहते हो? शून्य और सद आपस में युक्त हैं। युक्त हैं मतलब दो हैं, शून्य अलग है और सत, ये कहना चाहते हो? या सद की आत्मा कौन हो गई? शून्य। या शून्य की आत्मा कौन हो गई? सद। सद आत्मताम ना, शब्द क्या है? सद आत्मताम मतलब सद आत्मा हो गई। किसकी? शून्य की। क्या कहना चाहते हो? बोले देखो ऐसा नहीं है, शून्य से न तु युक्तद युक्तम, वो वेदांती के शून्य तो कभी भी सत के साथ युक्त तो हो ही नहीं सकता। क्या उत्तर दिया? ये जो तुमने पहला एक हमारे सामने विकल्प दिया कि शून्य और सत आपस में क्या है? युक्त हैं। बोले न, शून्य से न तु तद युक्तम और उभयम, और जो दूसरा वाला तुमने बोला सदात्मतम, वो भी नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले व्याह तत्वतः, व्याह तत्वता मतलब वदतो व्याघा दोष है, इस दोष की प्राप्ति हो जाएगी। किस दोष की? ना वद, बोले वदतो व्याघा मतलब मैं गूंगा हूं। यदि तुम गूंगे हो तो बोल, है ना, मैं गूंगा हूं। बहुत सारे आपको मैंने दृष्टांत दिए थे, इसमें आए थे, इसके पहले भी शायद मैंने पढ़ाया था इस चीज को आपसे। अभी कल मैंने कहा कोई आदमी सिगरेट पी रहा है और क्या बोलता है? मैंने सिगरेट पीना, तो आप क्या बोलोगे? हाँ मैं सोया हुआ हूं। यदि तुम सोए हुए हो तो फिर बोल कैसे रहे हो? मतलब कहने के लिए तो वाक्य है, सुंदर है, लेकिन कहते ही इस वाक्य में क्या आ गया? दोष आ गया। मना मले भाई ये वद तो व्याघात कहने के लिए तो ठीक है, इसमें क्या दोष है जरा बताओ? बोले देखो समझो, क्या सूर्य और अंधकार एक साथ कभी युक्त तो हो सकते हैं? बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया, एक ही दृष्टांत से दोनों समस्याओं का निराकरण किया। क्या शून्य और अंधकार दो सत्ताएं
एक साथ हो सकती हैं? बोलो, हो सकती हैं? बोले न तद युक्तम, ये तो युक्त तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, क्या सूर्य की आत्मा अंधकार है? बोलो जी, या अंधकार की आत्मा हो सकता है? आत्मा मतलब मूल, क्या अंधकार के मूल में सूर्य हो सकता है? बोले हो ही नहीं सकता। क्या सूर्य के मूल में अंधकार हो सकता है? बोले नहीं हो सकता। बोले तद्वत, शून्य और सत का आपस में संयोग नहीं हो सकता। शून्य की आत्मा सद नहीं हो सकती, या सत की आत्मा शून्य निर्वाण। बात क्या श्लोक बोलता है? ना युक्त, अरे रे 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 तुम क्या बोल रहे हो, ना युक्त, ये युक्त नहीं है। कौन नहीं? तमसा सूर्यो, तमसा मतलब अंधकार और सूर्य आपस में कभी युक्त नहीं हो सकते। नापी, नापी मतलब न अभी, और जो दूसरी वाली बात थी च असौ तमोमय, सूर्य कभी भी तमोमय और तमोमय कभी सूर्य हो गया। देखो एक ही दृष्टांत से दोनों चीजें निराकरण, ना तो साथ में रह सकते हैं ना तो मूल में रह सकते हैं, है ना। बोले इसी स शून्ययो हो विरोधित्वात्, शून्य का सत तत्व से विरोध होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, आसीत शून्यम आसीत कथम वदन। अब ये बताओ शून्य विरोधी होने के कारण कैसे कह सकते हो कि उस समय क्या था? पकड़ में है ना? इसका मतलब सत के साथ उस समय शून्य, पकड़ में है? ये क्या बोल रहा था, इसने कथन क्या बोला, शून्य आसीत। हमने क्या कथन दिया, सत आसीत। अब क्या हो गया, शून्यम, लेकिन शून्यम आसीत तो हो नहीं, पकड़ में है? समझ में आ गया ये बात या नहीं? शून्य और सत में तो सत ही हो सकता है, शून्य कभी साथ में उसके नहीं हो सकता। अच्छा बोले दूसरी बात, सत और शून्य दोनों परस्पर विरोधी हैं। देखना, सत और शून्य दोनों परस्पर, देखो सत तो भाव का नाम है, सत तो निर्गुण का नाम है, सत तो निराकार का नाम है, लेकिन शून्य, शून्य गुण है। एक कैसा गुण, वो कैसा है निर्गुण, ये कैसा है सगुण है। शून्य का भी अपना एक आकार है ना, ना? तो बोले ये दोनों आपस में साथ हो ही नहीं सकते। तो देखो क्या बोले, वियद आदि है, वियद मतलब आकाश आदि से लेकर ये सब क्या है, बोले नाम रूप हैं। अब इस बात को समझना, जब भी किसी वस्तु की वृत्ति हमारे चित्त में उत्सर्जित हो जाए, जब भी किसी चीज की वृत्ति हमारे मन में बन जाए, इसका मतलब वह वस्तु का कोई ना कोई रूप जरूर है। बहुत ध्यान से इस कथन को लेना, जिस चीज की वृत्ति बने हाँ उस चीज का कोई ना कोई, बोलो जी, रूप है, रूप है, पक्का है। ध्यान रखना, रूप का अर्थ आकार तो है ही है, रूप का अर्थ क्या है, सीमा, ये बात पकड़ के रखना। रूप का अर्थ क्या है, सीमा। तो जिस चीज की वृत्ति बने,
उसका आकार है, और जिसका आकार है उसका, यहां तक कि सॉरी आकाश की भी वृत्ति, लो जी आकाश की वृत्ति बन गई, इसलिए आकाश का रूप है। देखो जी, रूप मतलब अगर आप ज्योमेट्रिकल लेंगे तो कोई रूप मिलने वाला आपको, आकाश की भी एक सीमा है। अच्छा, ये कैसे सिद्ध हुआ? पहली तो श्रुति आपके कहती है वेद कि आकाश का भी जन्म, तो जिसका जन्म होता है उसका आकार तो, लो जी कहां से बचोगे आप, जरा देखो, जिस चीज का जन्म है उस चीज का आकार तो होकर के रहेगा, भले आपकी इंद्रियां उसको परसीव कर पाए या ना कर पाए। आकाश वृत्ति का विषय बनता है, इसलिए आकाश भी नाम और रूप है। अब आकाश से सूक्ष्म तो कोई और है? शून्य की भी वृत्ति बन रही है, इसलिए शून्य भी, बोलो जी, पता नहीं आपके मन में वृत्ति उठी या नहीं, तो ब्रह्माकार वृत्ति का फिर क्या अर्थ होगा? ब्रह्म भी तो वृत्ति में, बोलते हैं ना साधक को कि ब्रह्माकार वृत्ति, तो ब्रह्म भी, लो जी है ना, जैसे शून्याकार वैसे ही ब्रह्माकार। फिर नियम तो सबके लिए एक जैसा होगा ना, कि वेदांत के लिए अलग और उनके लिए अलग। जो विषय वृत्ति, जो वृत्ति का विषय बन जाए, जो वृत्ति का विषय बन जाए उस चीज का नाम और रूप है। देख लो, अब आप कोशिश करो कि ब्रह्म आपकी पकड़ में आ जाए, तो असंभव है, ब्रह्म पकड़ में नहीं आ सकता। वृत्ति कहां से बनेगी, किस चीज की वृत्ति बनेगी, सोचो आप। वाह, आकाश की वृत्ति बनती है, इसका मतलब आकाश का नाम और रूप है। उत्तर ये है कि वृत्ति ब्रह्म की नहीं बनती, ब्रह्म ही वृत्ति बनाने वाला कौन है? तो ब्रह्म की वृत्ति क्या बनाओगे, तुम खुद ही क्या हो? बनाने वाला कौन है ब्रह्म की वृत्ति, बोलो जी? बनाने वाला जड़ है कि चेतन? नहीं समझ में आया? जड़ तो चेतन की वृत्ति बना, चेतन तुम स्वयं हो, तो वृत्ति किसकी बनाओगे? सागर कहे कि मैं सागर से थोड़ा मिलके, मैं तो लहर हूं, मैं तो सागर से मिलकर की भूल ये हो गई कि उसने अपने आप को क्या समझ लिया, लहर समझ लिया। अब लहर यदि सागर की खोज में जाएगा तो उसको कभी भी सागर मिलने वाला, क्योंकि सागर उसके पास खुद है, और पास नहीं खुद है सागर। जो ब्रह्म है वो किसको ढूंढने जाएगा, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, सुना है आपने, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, तुम मुझको कहां ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूं, पास मतलब मैं तो तुम ही हो, तो ढूंढते किसको? बोले यह तो एक स्तर है, लेकिन साधक के लिए तो यही कहते हैं कि ब्रह्माकार वृत्ति, वहां तात्पर्य समझना, कभी भी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बन सकती। वहां अर्थ यह है कि ब्रह्म कहने से और सभी का निषेध, बस इसलिए ब्रह्माकार बोला जाता है, ना कि ब्रह्म की वृत्ति।
मैंने आपसे बोला कमल, कमल कहते क्या हुआ, अन्य सभी का क्या हो गया, निषेध हो गया। हाथी, घोड़ा, मानव, पशु, पक्षी, इन सब का क्या हो गया, तो हमारा ध्यान कहां चलाया, कमल। ब्रह्म कहते ही इदम जगत का निषेध करने के लिए साधक को क्या बोल दिया जाता है, ब्रह्म। न कि ब्रह्म की वृत्ति, क्योंकि वृत्ति बनेगी किस चीज की, कोई आकार है नहीं, कोई नाम है नहीं, कोई गुण है नहीं, तो फिर वृत्ति किस चीज की। बोले अन्य तरफ से ध्यान हटाने के लिए, अतद धर्म जो हमारे ऊपर है, अतद मतलब मिथ्या धर्म, गलत धर्म, उनसे अपना ध्यान बटाने के लिए हम शब्द क्या बोलते हैं, ब्रह्म, ना कि ब्रह्म का ध्यान करने के लिए। क्लियर हुआ। मेरा प्रतिपाद्य विषय भी यह है कि वृत्ति के संज्ञान में, वृत्ति के कैच कर ले यदि वृत्ति जिस चीज को, वह चीज का आकार होगा। शून्य वृत्ति का विषय बोलो जी बनता है, बना ना, शून्य वृत्ति का विषय, इसलिए शून्य का भी नाम है और शून्य का भी रूप है। शून्य का अपना एक गुण है, और गुण तो इतना भयंकर गुण है, मैं क्या बताऊं, 5 लाख रुपए को शून्य से गुणा कर दो कितना आ गया, 5 लाख को शून्य से गुणा करोगे क्या आएगा, 50 आएगा। 5 लाख को शून्य से गुणा करोगे तो कितना आएगा, शून्य, किसके प्रभाव से, लेकिन एक को गुणा करे तो कितना आएगा, तब 5 लाख आएगा। तो शून्य का इतना प्रभाव है, इतना गुण है कि जिससे गुणा करो उसको वो क्या कर देता है, शून्य कर देता है। ये शून्य का क्या है, नहीं है, बोलो जी ये शून्य का गुण है या नहीं। अगर आप बहुत अच्छे थोड़ा साइंस में हैं तो शून्य बड़ा है, -1 बोलो जी छोटा है, पकड़ में आया। एक व्यक्ति को -10 नंबर मिले और एक व्यक्ति को कौन बड़ा है, बोलो भाई -10 बड़ा है कि शून्य बड़ा है। इसलिए व्यक्ति नेगेटिव मार्किंग से क्या करता है, बोले शून्य मिल जाए वो ठीक है, लेकिन कहीं माइनस में तो शून्य क्या हो गया, गुण नहीं हो गया। पकड़ में आ रहा है। जब अच्छी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहां शून्य बना रहे इसके लिए हम तैयारी कर ले, लेकिन कहीं माइनस में नंबर। जैसे मैंने एक प्रश्न पत्र दिया, मुझको वह प्रश्न समझ में नहीं आया, उसके ऊपर यह लिखा है कि गलत प्रश्न का गलत उत्तर देने पर माइनस अंक कर दिए जाएंगे। ठीक है, मेरे सामने प्रश्न पत्र आता है, मुझे उसमें समझ में नहीं आया और मैंने उस प्रश्न पत्र को दे दिया। कितने नंबर मिले मुझे, क्योंकि मैंने किसी प्रश्न को सॉल्व एक दूसरे विद्यार्थी को दिया गया और उसने प्रश्न को सॉल्व किया और वो उत्तर गलत है, तो गलत उत्तर पर उसको कितने मिल गए, बोलो जी। अब एक विद्यार्थी को मिले 0 और एक विद्यार्थी को मिले, किसका सिलेक्शन होगा, 0 का। -2 से बड़ा कौन है, 0। जब टेम्परेचर भी नापते हैं तो माइनस में जितना जाता है उतनी ठंडक बढ़ती जाती है, और 0 से इधर की ओर आते हैं तो गर्मी आई। पकड़ो, 0 में तो बहुत सारे गुण बढ़े बने, 0 तो गुणों का भंडार है।
ये हम लोग कहते हैं, बट वो क्या कहते हैं, शून्य भाव रूप। और जबकि शून्य भाव रूप है, शून्य में गुण, भाई मैंने बताया कितने नंबर मिले, शून्य नंबर। तो शून्य भी एक क्या हो गया, गुण हो गया। शून्य भी एक क्या हो गया, भाव हो गया। लेकिन बौद्ध दर्शन इस शून्य को भाव और रूप मानता नहीं, यही तो उसकी परेशानी। और हम क्या कह रहे हैं, शून्य भी एक भाव है और शून्य भी एक गुण है, और शून्य का अपना एक आकार है, और शून्य का अपना एक नाम है। पकड़ में आ रही ना, याद रखना, हमने जो ब्रह्म बोला और जो इन्होंने शून्य बोला, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। धीरे धीरे आप जरा समझना। पहले मैंने अभी आपको इतना निवेदन किया, जो विषय आपकी वृत्ति में आ जाए वह विषय का हाँ रूप होता है। शून्य आपकी वृत्ति का विषय बोले नहीं बनता, तो शून्य का ज्ञान कैसे हुआ? हाँ इसको हाँ अभाव, लेकिन इसीलिए मैंने अभावाकार भी एक वृत्ति है ना, तो अभाव भी एक विषय बन गया कि नहीं? बोला अभाव भी तो एक विषय है, कोई नहीं है, ये भी एक, कितने नंबर मिले, शून्य, ये भी एक। बात इसकी नहीं कि दस नंबर मिले कि आठ मिले कि जीरो, कितने मिले, शून्य मिले, तो शून्य भी एक भाव। तो मैं जो दृष्टांत जहां पर करना चाहता हूं हिट, वहां समझना पहले। यदि वृत्ति का विषय कोई बन जाए तो आप समझ लो उस चीज का, और यदि कोई वृत्ति का विषय नहीं बनता है तो उसकी सिद्धि, उसकी सिद्धि बोलो जी नहीं हो सकती। करके देख लो आप, मैं आपको एक ऐसा कुछ नाम और रूप बोलूं जिसके अंदर आपके अंदर कोई आकार या वृत्ति उत्पन्न, तो आप यही कहोगे कि मुझे समझ में। ज्यादातर जब ब्रह्म बोलते हैं तो आपकी समझ में, क्योंकि आपके अंदर वैसी वृत्ति। लेकिन जिसने ब्रह्म को थोड़ा बहुत जाना है, समझा है, वो कहते ही उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या बनने लगी, तो उसका उसको समझ में, क्योंकि उसके अंदर क्या बन गई, वृत्ति। लेकिन ब्रह्म की वृत्ति का तात्पर्य ब्रह्म की वृत्ति नहीं है, ब्रह्म की वृत्ति का तात्पर्य है अतद धर्मों को हटा देने के लिए। किसकी वृत्ति बोली, ब्रह्म, ब्रह्म की अपनी कोई वृत्ति। क्योंकि इसलिए शंकराचार्य ने बोला ब्रह्म शब्द को तो मुंह से बोल भी, उसके लिए तो क्या है, कबीर ने ही बोल दिया ना, चुपचाप रहने की जरूरत है, मौनम। क्योंकि बोलोगे तो उसकी क्या बन गई, तो फिर वो क्या बन गया, विषय। तो आत्म तत्व में बोला जाता है कौन किसको क्या बोले, कौन किसको क्या बोले, दोनों तो दोनों वही के, एक लहर दूसरी लहर को क्या बोलेगी। हाँ ये बात समझ में, विषय पे आइए। वियद आदेह, वियद मतलब आकाश आदि से लेकर सब का सब प्रपंच सुविकल्पित है, वो बड़ी अच्छी तरीके से कल्पित है, अध्यस्त है, अध्यारोपित है, किसमें ना, यही याद रखना, माया में अध्यस्त नहीं है, अध्यस्त किसमें है, सत तत्व में अध्यस्त है। लेकिन अध्यस्त का कारण कौन बना, माया। यही ये सावधानी रखनी है, माया में अध्यस्त नहीं है, क्योंकि माया का भी अधिष्ठान ब्रह्म है। भगवान ने क्या बोला गीता में, मम माया दुरत्तया, मेरी माया बहुत कठिन है। मेरी मतलब माया अलग हुई और मैं माया का अधिष्ठान हूं। मम योनिर महत ब्रह्मा,
वहां भगवान ने बहुत ध्यान से शब्द सब देखना, मैं अलग हूं और मेरी माया, और मैं अपनी माया को अपने वश में करके रखता हूं। यह आपने पहले भी देखा है, जीव अपनी माया को वश में, लेकिन ब्रह्म अपनी माया को अपने, हम तो अज्ञान के वश में आ गए। वो क्या कहता है, मैं अज्ञान के वश में नहीं, अज्ञान किसके वश में रहेगा, मेरे वश में रहे। अच्छा जी, तो बोले शून्यस्य, शून्य भी क्या हो गया, नाम हो गया, शून्य भी क्या हो गया, तो बोले वियदा देहे, जैसे आकाश आदि सब प्रपंच अध्यस्त हैं, अध्यारोपित हैं, किसमें, सत तत्व में, इसी तरीके से शून्यस्य नाम रूपे च, शून्य का भी क्या है, और शून्य का भी रूप है। तो शून्य जो नाम रूप है वो कौन है, जगत, और जगत अध्यस्त है किसमें, सत तत्व में। इसका मतलब शून्य भी अध्यस्त किसमें है, सत्व। क्या बोलते हैं, अगर ऐसा है तो क्या करो, चेत जीव्यताम, क्या करो, जियो। कब तक जियो, हजार। बात तो वही बोल दी ना तुमने भी, कि शून्य अध्यस्त हो गया नाम रूप, तो बात तो वही हुई है। मैं कह रहा हूं जगत अध्यस्त है और तुम क्या बोल रहे हो, वो कहता है अच्छा ये तुमने अपनी बात निकाल ली, अब मैं तुमसे जरा बोलता हूं, मेरे प्रश्न का भी उत्तर दो। क्या बोलता है देखो, मेरे शून्य का तो नाम रूप कर दिया तुमने, तो सतोपि नाम रूपे द्वे, तुम्हारे सत तत्व का भी नाम है। और लो जी, क्योंकि सत तत्व एक नाम तो, क्योंकि तुम खुद अपने मुंह से पुकार रहे हो, तो जब नाम है तो फिर उसका कोई रूप भी है, सीमा भी है, आकार भी है। तो देखो जरा क्या बोला, सतोपि नाम रूपद्वे मिला। तो ये बताओ फिर, चेत कल्पिते वदा, तो ये सत जो है, यदि सत भी नाम रूप है तो ये सत किस में अध्यस्त है, सत भी नाम रूप है तो सत किस में अध्यस्त है, पकड़ में है क्या कह रहे हैं। सब कुछ सत में अध्यस्त तुमने बोल दिया, ठीक है, मैं कह रहा हूं सत का भी एक नाम और रूप, तो सत फिर किस में अध्यस्त है, क्योंकि जिसका नाम और रूप होता है वह चीजें तो अध्यस्त होती हैं, तो सत का भी नाम और रूप है, तो बताओ ये किस में अध्यस्त है। अब आप क्या बोलोगे, मतलब सत की कल्पना, सत की कल्पना का आधार क्या है तुम्हारे, असत तो हो नहीं सकता, तो अब बचा क्या आपके पास, तो इसका मतलब उसकी बात क्या करनी पड़ेगी आपको, आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है। लेकिन बहुत ही ऋषियों की जरा बुद्धि देखो, जहां नहीं पहुंच पाए उन्होंने दो मिनट में, और ये तर्क बहुत ध्यान से रखना, ये प्रौढ़ तर्क है ब्रह्म सूत्र का, इसको पूर्व पढ़ने के पहले आप ये एक लाइन याद कर लें, वस्तु लक्षण प्रमाणाभ्याभ्याम वस्तु सिद्धि, ये ब्रह्म सूत्र का वाक्य ऐसा समझो, किसी वस्तु की सिद्धि लक्षण और प्रमाण के जरिए से ही होती है। क्या बोला गया, लक्षण लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही, ये सूत्र है। क्या अर्थ हुआ इसका, वस्तु की सिद्धि दो चीज से है, किस चीज से, अब आप करके देख लो जरा, बहुत ही सुंदर और सटीक है। यदि वह लक्षण आप नहीं बता सकते तो उस वस्तु की सिद्धि, यदि आप प्रमाण नहीं बता सकते तो आपके लिए सिद्धि,
अगर आपको आंख से नीला रंग दिखाई नहीं दे रहा है तो आपके लिए नीला रंग क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास प्रमाण कौन है? प्रमाण देखने का नेत्र। तो आपके लिए तो वह वस्तु आपकी जीभ का स्वाद खराब हो गया। अब आपके लिए स्वाद नाम की कोई चीज क्यों? क्योंकि जिससे स्वाद होता है वह प्रमाण आपके पास। लो, अब जरा सुनना, जब भी कोई कल्पना होगी, कोई तथ्य होगा, कोई विचार होगा, तो उसका कोई ना कोई साक्षी जरूर होगा। पहला, कोई अध्यस्त चीज क्यों ना हो, कोई कल्पना की चीज क्यों ना हो, कोई विचार क्यों ना हो, कोई मिथ्या चीज क्यों ना हो, इन सब चीजों का कोई ना कोई साक्षी तो होना। बिना साक्षी के ये सब चीजें सिद्ध नहीं हो सकती। हाँ, अधिष्ठान, इस चीज को दूसरा और बोलने जा रहा था, ये आपको कठिन लगेगा। ये जब भी कोई भ्रांति पैदा होती है, भ्रांति तभी पैदा होगी जब अधिष्ठान हो, बिना अधिष्ठान के भ्रांति पैदा, जैसे सर्प का भ्रम पैदा हुआ तो अधिष्ठान कौन है? रस्सी यदि ना हो तो भ्रम पैदा हो सकता है? सोच लो, रस्सी ही नहीं है तो भ्रम पैदा होगा? अगर रेत नहीं है तो जल का भ्रम? बोलो भाई। अगर पेड़ ही नहीं है तो भूत का भ्रम? इसको तोड़ के दिखाओ। कोई कल्पना हो, कोई मिथ्या चीज हो, कोई अध्यस्त चीज हो, उसका अधिष्ठान तो कोई ना कोई जरूर। निराधिष्ठान कुतः भ्रांति? बिना अधिष्ठान के भ्रांति, कोई कल्पना भी होगी तो कल्पना का अधिष्ठान तो कोई ना कोई। इस बात को जरा आप मनन करके देख लो और इसको जरा आप तोड़ के दिखाओ। सोच लो, ऐसी कोई हमें मिथ्या भ्रम की चीज बताओ जिसमें अधिष्ठान नाम की चीज ना हो। सोच के बताओ, ऐसी कोई कल्पना बताओ जो बिना अधिष्ठान के हो। इसलिए आज आपकी गीता में श्लोक ही आ रहा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टाः। ये आज आपकी गीता में श्लोक यही आने वाला, अधिष्ठानम। ये पांच चीजें होती हैं, तो पांच तो अभी यहां नहीं, उपनिषद में तो हम एक की बात कर रहे हैं बस। बिना अधिष्ठान के मुझे कोई भ्रम की बात बताओ आप, सोच लो। और जो अधिष्ठान होता है वो, बोलो जी, वह सत्य होता है। उसके ऊपर जो कल्पना है वो कैसी होती है? रस्सी सत्य है और रस्सी अधिष्ठान है, और उस अधिष्ठान के ऊपर कल्पना किसकी कर ली? तो सर्प कैसा हो गया? झूठा हो गया, मिथ्या हो गया, असत्य हो गया। लेकिन जो अधिष्ठान है वो कैसा है? अच्छा जी, मृग मरीचिका में जल, जल कैसा है? मिथ्या है। लेकिन जल प्रतीत किस पे हो रहा है? बोलो जी, तो रेत सत्य है या नहीं? कौन दिख रहा है? रेत पर। अगर रेत ना हो तो जल भी दिखने वाला? आपके कमरे में जल दिखता है? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि रेत, जहां रेत है भ्रम तो वहीं पे पैदा, क्योंकि जो अधिष्ठान है वो तो सत्य है। और जब भी कोई भ्रम होगा तो अधिष्ठान तो,
आप इस पे कस के मनन कर लीजिए। ये बहुत ही प्रौढ़ तर्क है जिसके आगे बौद्धों को भी हारना पड़ता है। नहीं, ऐसा क्यों कहें, क्रिया और प्रतिक्रिया का कुछ लेना देना नहीं इसमें। मैं सिर्फ इतनी सरल भाषा में बात कह रहा हूं। वो कॉपी बंद कर लिया, जाना है आपको। कोई अध्यस्त है, कोई कार्य है, कोई अध्यारोपित चीज है, तो उसका जो अधिष्ठान है उसके बिना तो अध्यास हो ही नहीं सकता। मतलब ब्रह्म भी कब पैदा होगा, कोई तो होना चाहिए, और जो होना चाहिए वो कैसा होता है, सत्य होता है। ब्रह्म तभी पैदा होता है जो सत्य चीज है, सत्य चीज है, वो जब ढक जाती है तो हमें क्या उत्पन्न हो गया। लेकिन जो चीज ढकती है वो कैसी होती है, सत्य होती है। जैसे रस्सी, रस्सी रस्सी नहीं दिखती और अब क्या दिखती है, लेकिन सर्प दिखा क्यों, मतलब यहां पे सर्प नहीं दिखा और जहां पर मकान बन रहा था वहां पे सर्प आपको क्यों क्योंकि यहां पर रस्सी, इसका मतलब ब्रह्म भी कहां पैदा होता है, जहां अधिष्ठान है। मतलब इससे यह सिद्ध हुआ कि जहां जहां ब्रह्म है वहां वहां है। सोनी जी कोई उदाहरण, ऐसा कोई उदाहरण है जो सिद्ध करके दिखा दे कि ब्रह्म है लेकिन अधिष्ठान नहीं। तो प्रश्न ये होगा कि फिर ब्रह्म दिखता कहां है, जब अधिष्ठान ही नहीं है तो फिर, मतलब रेत ही नहीं है तो जल भी दिखेगा। बोलो भाई, इसको सोच लो आप। एक चीज होती है अधिष्ठान, दूसरी वस्तु हो गई अध्यस्त। इसी को बोले मिथ्या, इसी को बोले कल्पना। ठीक है, अध्यस्त, कल्पना, मिथ्या, अध्यारोपित, ये तभी होंगी जब इनका कोई अधिष्ठान, बिना अधिष्ठान के ये हो। अच्छा, इन दोनों में सत्य कौन है, अधिष्ठान। अकड़ में आ गया, जल की तुलना में सत्य कौन है, रेत। सर्प की तुलना में सत्य कौन है, रस्सी। भूत की तुलना में सत्य कौन है, पेड़। वाह, यहां पे भी क्या दिखा, कुत्रेति निरधिष्ठानः। ये जो तुम बोल रहे हो कि सत तत्व भी क्या है, कल्पित है, तो मुझको एक बात बताओ, सत तत्व का अधिष्ठान कौन है। क्योंकि यदि ये ब्रह्म है तो मैं मान लेता हूं सत तत्व भी कल्पना है। ठीक है, सत तत्व भी कल्पना है, अध्यस्त है, अध्यारोपित है। ठीक है, लेकिन अध्यारोपित अध्यस्त कल्पना का एक अधिष्ठान तो, और वो अधिष्ठान तो कैसा होता है, तो तुम मुझे ये बताओ कि सत तत्व का अधिष्ठान कौन है। कौन बोलने लगा, वेदांति, पकड़ में है, सत तत्व का अधिष्ठान बताओ। और ऐसा मत बोलना कि बिना अधिष्ठान के ब्रह्म होता है, क्योंकि अभी तुमने माना कि जब ब्रह्म होता है तो उसका कोई ना कोई अधिष्ठान, बिना अधिष्ठान के ब्रह्म पैदा और अधिष्ठान ही सत्य, तो मुझे ये बताओ कि सत तत्व का अधिष्ठान क्या है। इसलिए ये एक तर्क याद रखना, निरअधिष्ठान कुतब भ्रांति, पकड़ में। तो इसे सिद्ध क्या हुआ, सत तत्व ही क्या है, सत तत्व क्या है, अधिष्ठान, और ये सब चीजें क्या हो गई। इसलिए सिंपल तर्क में इसे अलग हट के आपको समझाऊं, जगत यदि मिथ्या है तो फिर जगत का अधिष्ठान सत्य होना, और अधिष्ठान कोई होना भी हुआ। यदि जगत है और झूठा है तो फिर जगत का कोई अधिष्ठान भी होना
और जो अधिष्ठान होगा वो सत्य, मैं ऐसा कह लूं तो ये ज्यादा समझ में आएगा। कल्पना करने वाला व्यक्ति सत्य हो सकता है उसकी कल्पना, क्योंकि कल्पना करने वाला कैसा है, अधिष्ठान कौन है, आप, और आपने क्या कर ली, कल्पना। उदाहरण स्वप्न, स्वप्न कौन देखता है, बोलो जी, अधिष्ठान कौन है स्वप्न का, आप नहीं है। स्वप्न कौन देखता है, मैं, लेकिन झूठा कौन है, स्वप्न। अधिष्ठान झूठा नहीं है, अधिष्ठान के ऊपर जो कल्पना बन गई वो सब क्या है, झूठी है। लेकिन आप बोलो कि स्वप्न आ जाए, स्वप्न दिख जाए और मैं ना रहूं, ऐसा हो सकता है, आप जिस स्थान पे सोते हैं आप कहीं और हो और वहां पर कोई स्वप्न दिख जाए, बोले भाई स्वप्न आएगा तो फिर किसको आएगा, वो स्वप्न वाला तो होना, तो स्वप्न वाला सत्य है लेकिन उसका स्वप्न, व्यक्ति सत्य है लेकिन व्यक्ति की जो कल्पना है वो कैसी है, झूठी है। तो आप क्या हो पता है, अधिष्ठान आप क्या हो, और ये जो कल्पना कर रखी है ये सब चीजें क्या हैं, अध्यस्त। इस कल्पना का आधार करने वाले कौन है, आप, इसलिए आप क्या हैं, सत्य। इस तर्क के जवाब में बौद्ध कुछ नहीं बोल पाया अभी, मेरा अधिष्ठाना कुतब भ्रांति, अधिष्ठान भ्रांति के लिए कोई अधिष्ठान तो होना, यदि सत तत्व भी ब्रह्म है तो मुझको ये बता दो कि फिर अधिष्ठान कौन है। बोलता है अच्छा चलो थोड़ी तुम्हारी बात मान ली, मेरे को एक प्रश्न तुम्हारे ऊपर और है, किससे बोलता है, वेदांती से। बोले एक बात बताओ, सत तत्व क्या है, सत्तावाची शब्द है, है ना, सत तत्व क्या है, सत्तावाची, सत्ता समझ में आती ना, तो आप क्या बोलते हो, सत आसीत, ठीक है, तो सत शब्द क्या है, बोलो जी नाम रूप है सत, तुम घूम रही हो कहीं, सत शब्द क्या है, सत्तावाची, और आसीत शब्द भी क्या है, सत्तावाची, तो बोलो तुम्हारे वाक्य में ही क्या है, लो जी दूसरा तर्क निकाल, दो चीजें कैसे हो सकती हैं, सत्ता तो किसकी होनी चाहिए, एक की होनी चाहिए, तो तुम ये क्यों बोलते हो सत आसीत, सत था, या तो बोलो आसीत और या तो बोलो सत, तुमने सत आसीत क्यों बोला, इसका मतलब एक तो सत्तावाची है और एक असत्ता भी है, अब तुम किसी को भी मान लो तब भी उसकी दोनों की बात आ जाएगी, इस पे करेंगे तर्क कल, बहुत ध्यान से देखना, सत आसीत उसने ये पकड़ा है, सत भी क्या है, सत भी क्या है, सत्तावाची, आसीत भी शब्द कैसा है, सत्तावाची, आसीत मतलब समझे, था है, ये शब्द आते ना, था है रहेगा, ये सब शब्द शब्द, तो एक ही वाक्य में यदि वही वाक्य शब्द दो बार आता है तो दर्शन की दृष्टि से ये कैसा दोष है, पुनरुक्ति दोष है, कैसा दोष है, अच्छा यदि तुम कहते हो पुनरुक्ति दोष नहीं है तो फिर दोनों शब्दों के दो अर्थ अलग अलग होने चाहिए, पुनरुक्ति दोष ना मानो तुम तो मुझे उन दोनों शब्दों के दो विभिन्न विभिन्न अर्थ बताओ, किसके किसके, सत और आसीत, सत का अर्थ बताओ और, देखो जी फंसा है इसने, बहुत ही सुंदर सुंदर तर्क है, एक बार घुस जाए दिमाग में तो आपको कोई हिला नहीं सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति 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 ही। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।